हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू एसएस पिक्चर न्यू चैनल। तो गाइस, आज का जो वीडियो है फोटो एडिटिंग सीरीज 2 है, क्योंकि फोटो एडिटिंग सीरीज में चालू किया हूँ। जिसने नहीं देखा 1 तो जाकर देख लेना, उस वीडियो के अंदर दिखाया हूँ फोटो कैसे कट करते हैं। फोटो को क्लिक करने के बाद जो स्टेप आप लोगों को एडिटिंग करना पड़ता है, उसी स्टेप में आप लोगों को एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए सीरीज चालू किया हूँ। तो जो जिसने सीरीज नहीं देखा था 1 तो जाकर देख लेना, वीडियो चैनल पर है। एंड ये सीरीज 2 है। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा फोटो को कट करने के बाद कैसे HD क्वालिटी में DSLR की तरह ब्लर कर सकते हो, वो भी मोबाइल का फोटो। तो आज ब्लर करना दिखाऊंगा एंड कल दिखाऊंगा फोटो का बैकग्राउंड कैसे कलर एडिटिंग कर सकते हो एंड फेस स्मूथ कैसे करते हो, सब सब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो सर, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, नया कुछ सीखने को मिलने वाला है, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसीलिए तो एक लाइक बनता है। गाइस, हमारे चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो यार, हम इस वाली फोटो को बैकग्राउंड ब्लर करना है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड बहुत ही खराब लग रही है, मोबाइल का फोटो, तो बैकग्राउंड जितना चाहे उतनी ब्लर डाल सकते हो। तो कैसे डालना है आप लोगों को, फुल प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है, तो फॉलो करना। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्लर करने के लिए, मतलब फोटो को क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस होता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। सीरीज 1 का वीडियो डाल दिया हूँ, तो सबसे पहले यूट्यूब पर जाके हमारी चैनल पर चले जाना। यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर चले जाना। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फोटो एडिटिंग, यहाँ पर सीरीज 1 वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है। ये वाली वीडियो फोटो को कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो ये सीरीज 1 मतलब फोटो एडिटिंग का सीरीज बना दियो। जिसने नहीं देखा तो जाकर देख लेना सीरीज 1, ठीक है। ये सीरीज 2 है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले कटआउट करना पड़ेगा। फोटो को कट करने के बाद किसी भी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर हो या मैनिपुलेशन एडिटिंग हो, जो भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज फिलहाल हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। सबसे पहले दिखा देता हूँ ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करना है एडिटिंग के लिए, मतलब बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, पिक्साई प्रो एंड स्नैपसीड। तो पिक्साई प्रो आप लोगों को मोडिफिक नहीं मिलेगा प्ले स्टोर पर, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लेना या बाबाई टेक चैनल पर जाकर देख लेना कि मोडिफिक एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को तो कट करना होगा एंड नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर देना है स्नैपसीड के अंदर जो ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। शेयर स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेनू में चले जाना, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा हीलिंग टूल, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग टूल के ऊपर क्लिक करना, देन यहाँ पर आप लोगों को जूम करना है तो मॉडल को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंट करूँगा मॉडल के ऊपर एंड हट जाएगा, ठीक है, जैसे दिखा रहा हूँ। तो धीरे धीरे छोटा, मतलब धीरे धीरे करके आप लोग करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही बेकार लगेगा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ पूरी अच्छे तरीके से। सो यार, इतना ही करना है आप लोगों को। तो 2 पैर रख देना है, यहाँ पर शैडोज को घटाना मत, ठीक है, 2 पैर को थोड़ा थोड़ा करके रख देना है, क्योंकि यहाँ पर शैडोज हटा दोगी तो यहाँ पर मतलब रियलिस्टिक लुक नहीं लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शैडोज को बिल्कुल भी घटाना मत। तो यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर दूंगा। सो यार, ये करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड को ब्लर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेनू पर चले जाऊँगा, लास्ट में देखो, यहाँ पर लास्ट में जो लेंस ब्लर मिलेगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल को एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ पर आप लोगों का जो मिडिल का सर्कल है, यहाँ पर छोटा करके जो पैर है, पैर के कुछ इसी तरीके से नज़दीक में रख देना है, ठीक है, मिडिल पर रख देना है। देन यहाँ पर जो विग्नेट है, विग्नेट को बिल्कुल कम कर देना है। एंड इसका जो ट्रांसलेटर है, यहाँ पर आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैं लगभग इतना ही रखूँगा। एंड यहाँ पर मिडिल का जो सर्कल है और भी बड़ा कर लूँगा, ठीक है। सो यार, यहाँ पर कुछ इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर में ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जितना चाहे उतनी ब्लर डाल सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लर नहीं डालना क्योंकि फेक लगेगा, तो लगभग मैं इतना ही रख दूँगा। देन यहाँ पर मैं डन पर क्लिक। अब हमें यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ शेयर कर देना है पिक्साई प्रो ऐप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर फोटो का जो क्वालिटी है बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर चलते हैं पिक्साई प्रो ऐप के अंदर। सो यार, ये रही पिक्साई प्रो ऐप। तो यहाँ पर मैं शेयर कर दिया हूँ। देन यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज आएगा ना 3.4000, तो यहाँ पर 3.4000 कर देना है फुल्ली, ठीक है। अब हमें मॉडल को लाना है जो कट किया था, ठीक है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना सिंपली एंड इंसल पिक्चर में जाके ऐड कर लेना सिंपली मॉडल को। सो ये रही मॉडल का PNG, तो यहाँ पर ऐड कर लूँगा। एंड यहाँ पर कुछ भी क्रोप व्रोप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि क्रोप का जो काम होता है, एडिटिंग का काम होता है, मैं आप लोगों को सीरीज 1 में दिखा दिया हूँ कि कैसे फ़ोटो क्लिक करना है, कैसे मतलब क्रोप का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करूँगा, तो राइट पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा, देख सकते हो। तो बहुत ही सही लग रही है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा HD होने में,
तो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर जूम वगैरह कुछ भी नहीं करना है, देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी लॉस हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर जूम करूँगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर सेट हो चुकी है अच्छे तरीके से, एंड बहुत ही सही लग रही है देखने में, एंड यहाँ पर रियलिस्टिक लुक आ चुकी है। जो दिखाया था शैडोज को छेड़ना मत, तो इसका काम ये है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से राइट पर क्लिक, आप चाहे तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा तो, ठीक है। तो मैं तो राइट पर क्लिक कर दिया हूँ। तो यार कुछ इसी तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है। अब आप लोगों को दिखाऊंगा कल जो हेयर को कैसे ठीक करना है, मतलब बैकग्राउंड को कलर कैसे करना है, फेस को कैसे स्मूथ करना है, ठीक है, कल दिखाऊंगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक, सेव टू फाइल पर क्लिक, एंड यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, मतलब सेव कर देना है। तो पूरी HD क्वालिटी में सेव होगा। तो इसका क्वालिटी कितना आया है दिखाता हूँ, चलो। सो यार ये अभी के अभी सेव किया हूँ, एंड इसका पिक्चर क्वालिटी एक भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि पिक्सआई प्रो का काम है HD क्वालिटी में फ़ोटो को सेव करना, ठीक है। तो इसका डिटेल्स में जाके दिखा देता हूँ, देख सकते हो। ओ भाई साहब 24 MB, मतलब क्या ही बताएं, कभी कभार हो जाता है इतना MB, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी HD क्वालिटी में हो गया, ये सही बात है, एंड बहुत ही अच्छा बात है ये कि HD क्वालिटी में हुआ है। एंड अब यहाँ पर कलर टीचिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो वेट करना, सीरीज 3 में आप लोगों को दिखाऊंगा कलर टीचिंग सब कुछ, फेस वगैरह स्मूथ कैसे करते हैं, फेस स्मूथ करने कैसे कर आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कलर टीचिंग, ठीक है। तो ये ट्रिक्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट मिलते हैं, गुड बाय।